welcome you all once again to the beautiful and lovely platform of JS Vidyalaya. So, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ ओमकार थेटे और वही फिर से स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे पेरेंट्स स्कूल का चैनल JS Vidyalaya के स्कूल के चैनल पे। तो महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस पढ़ रहे थे क्लास 8 का, और उसमें पिछले लेक्चर में बायोन्सी, फोर्स ऑफ बायोन्सी मतलब क्या, बायंड फोर्स पढ़ा था, है ना, अलग अलग एग्जाम्पल्स और बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो अभी एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फोर्स ऑफ बायोन्सी के ऊपर ही डिपेंड करता है, थोड़ा थोड़ा उसका ही बाह्य समझो, ठीक है। तो इसमें भी एक आपको एक इतना होने के बाद, मतलब इसके यूजेस एंड प्रिंसिपल समझाने के बाद एक स्टोरी बताऊंगा कि आर्किमिडीज ने इस प्रिंसिपल को कैसे प्रूव किया था या कैसे इसका शोध लगाया था, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपके किताब में क्यों दिया है, और वो भी फोर्स ऑफ बायोन्सी के बाद में, क्योंकि आपको फोर्स ऑफ बायोन्सी के बारे में कुछ सवाल आ रहे होंगे आपके दिमाग में। जैसे कि पहला देखो, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ बायंड फोर्स, कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड क्या है बताओ। टेंशन लो मत लो बच्चों, मैग्नीट्यूड मतलब आप वैल्यू समझ सकते हो अभी के लिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आप वैल्यू समझो, मैग्नीट्यूड का मतलब तो वैल्यू नहीं होता है, लेकिन सिर्फ समझो अभी समझने के लिए, ठीक है। तो आप लोग पूछोगे कि बायंड फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। जैसे कि सर फोर्स हमें पता है न्यूटन में, मतलब न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है। तो बायंड फोर्स की 5 न्यूटन वैल्यू होती है, 6 न्यूटन होती है, 7 न्यूटन होती है, ऐसे बायंड फोर्स की मतलब वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि इज इट द सेम फॉर ऑल लिक्विड, वो जो वैल्यू है सभी लिक्विड के लिए सेम है क्या। नहीं सर, लिक्विड मतलब, लिक्विड मतलब बच्चों पानी, ऑयल या पेट्रोल, डीजल, अलग अलग टाइप के लिक्विड आप लोग देखते होंगे, है ना। तो इन सभी लिक्विड के लिए बायंड फोर्स की वैल्यू सेम होती है या वैरी करती है, बस यही देखना है, और ये हमें आर्किमिडीज भी बताएंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या बोलते हैं, तो इन दोनों को क्वेश्चन का आंसर हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल में है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है आंसर, और किसमें है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो तो क्या बोलता है प्रिंसिपल, फेन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्ज्ड। देखो पार्शियली और फुल्ली, पार्शियली मतलब क्या, आधा, और फुल्ली मतलब पूरा, ठीक है। तो पार्शियली और फुल्ली इमर्ज्ड इन फ्लूइड, अभी फ्लूइड, फ्लूइड भूल गए क्या। देखो फ्लूइड का मतलब दो चीजें हो सकती है, फ्लूइड का मतलब दो चीजें हो सकती है, एक तो लिक्विड नहीं तो गैस, बताया था बच्चों, है ना। फ्लूइड का मतलब दो चीजें हो सकती है, भूलना मत, ठीक है। तो अभी जो भी ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड में एक तो पार्शियली और फुल्ली इमर्ज हो सकता है, आधा डूबा हुआ है नहीं तो पूरा डूबा हुआ है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ बायोन्सी एक्ट ऑन इट ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये तो हमें बायंड फोर्स के प्रॉब्लम पॉइंट में पढ़ा था कि जो भी बायंड फोर्स होता है ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ऐसे दिखाया था ना आपको, एफ वी ऊपर लगता है और एफ जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लगता है, और जब दोनों बैलेंस होते हैं, जब ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेंस करता है, बायंड फोर्स डोमिनेंस करता है, तो क्या क्या होता है वो पूरा बता दिया था, ठीक है, आपको पता ही होगा। अगर वो नहीं समझ में आ गया तो, अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके पहले वो लेक्चर देखो, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल उस लेक्चर के बिना नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका भाई है। तो देखो अभी फोर्स ऑफ बायोन्सी अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, पता है सर। देखो नाउ दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्स कितना होता है, कितना होता है, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अभी समझेंगे देखो यहाँ पे कुछ समझाता हूँ, ध्यान दो सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे हम समझेंगे एक पॉट है, ठीक है, ऐसा कोई पॉट है, जो भी है बकेट है, जो भी है पॉट है, ठीक है। तो इसमें इतना में मतलब चलो इतना फुल फिल करके इतना पानी भरता हूँ, इसमें पूरा पानी भरा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक सब पानी है, और इसमें मैं एक पत्थर डाल रहा हूँ, पत्थर पता है बड़ा पत्थर डाल रहा हूँ, इतना पत्थर डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। अभी इसमें जब मैं पत्थर डालूंगा तो यहाँ से क्या होगा, आप लोगों को पता है यार, बचपन से देखते आ रहे हो, यहाँ से थोड़ा पानी क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, सही है, गिर जाएगा। अब जो जितना पानी नीचे गिरा है उस पानी को हम क्या करेंगे, एक नीचे ट्रे लगा देंगे, ठीक है, ऐसा ट्रे लगा देंगे। देखो ये ट्रे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपन बकेट रखेंगे या छोटा सा मग वगैरह रखेंगे, और उसमें पानी डाल के ऊपर से पत्थर डाल के नीचे जो पानी गिरेगा उसको भी स्टोर कर लेंगे। अभी जो पानी बच्चों अपन ने स्टोर किया है उस पानी को निकालना, और ये जो पत्थर था उसको निकालना, दोनों का वेट सेम होगा, समझ में आ रहा है, दोनों का वेट सेम होगा। और इसी तरह से अपन क्या गिन सकते हैं, फोर्स गिन सकते हैं, क्योंकि सर आप लोग बोलोगे सर अभी तो बोल रहे हो वेट एंड दोनों का वेट सेम होगा, तो वेट में फोर्स का मतलब कहां से आया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वेट में फोर्स कहां से आया। तो देखो जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड वेट इज इक्वल टू आल्सो मास इनटू एक्सेलरेशन,
फोर्स एंड वेट एक ही चीज होते हैं। अभी तो एक ही चीज समझो, हायर क्लासेस में जाके आप लोगों को इन दोनों का मतलब इन दोनों के बीच में का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ समझो कि फोर्स एंड वेट एक ही चीज है, ठीक है। तो अभी समझे कितना फोर्स लग रहा है और किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी ऑब्जेक्ट जो भी फ्लूइड या लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट की वजह से, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आर्किमिडीज का मतलब ये जो प्रिंसिपल था वो समझ में आ गया होगा। तो आपके इसके यूजेस कहाँ कहाँ होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज डेली लाइफ पे या बड़े बड़े कंट्रीज या जो भी साइंटिस्ट कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों की यूजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स। शिप्स पता है, हाँ सर पता है, शिप्स किसको नहीं पता। हाँ तो वो जो पानी के ऊपर तैरती है ना, पानी के ऊपर चलने वाला व्हीकल, उसको शिप बोलते हैं, ठीक है। तो शिप्स में एंड सबमरीन, सबमरीन पता है जो भी मतलब वॉर मतलब क्या युद्ध में यूज होता है सबमरीन। जब हमारे इंडिया में जब हमारे इंडिया के ऊपर संकट आ रहा था तब रशिया ने अपने सबमरीन भेज के हमें बचाया था, तो वो सबमरीन आपने वो स्टोरी सुनी होगी, ठीक है। तो सबमरीन एंड शिप्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें प्रिंसिपल बहुत ज्यादा यूज होता है। और दूसरी चीज इन द एंड इंस्ट्रूमेंट सच एज लैक्टोमीटर एंड हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर एंड लैक्टोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट पे भी ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये था कुछ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उसका प्रिंसिपल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा यार, ठीक है ना। तो चलो अभी इसकी स्टोरी सुनेंगे। तो आर्किमिडीज एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन थे, ठीक है। उन्होंने पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब आविष्कार भी किया था आर्किमिडीज ने, ठीक है, भूलना मत, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में तो किसी चीज में आ सकता है। तो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट थे। तो सर ठीक है, अभी दो तीन बार आपने बता दिया कि मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट थे, तो इनका प्रिंसिपल कैसे मतलब उन्होंने कैसे इस प्रिंसिपल का शोध लगाया। तो देखो बच्चों, जो भी चीज होती है ना, हमारे आजू बाजू होने वाले जो भी मतलब चेंजेस होते हैं उसके ऊपर हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। वैसे ही आर्किमिडीज ने भी उनके प्रिंसिपल का आविष्कार उसी चीजों से लगाया था। जैसे कि देखो स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से आप नोटबुक बंद कर देना, पॉइंट एक बार लिख के ले लो, ठीक है, पॉज करके एक बार अच्छे से लिख के लेना ये कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसका पूरा और ये उसके यूजेस, पॉज करके लिख के लेना, लिख लिया लिखो जल्दी। हाँ चलो तो अभी स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। तो देखो मैं भी आराम से खड़ा रहता हूँ एक जगह और स्टोरी बताता हूँ। तो क्या हुआ था बच्चों कि एक यूनान के किंग थे, ठीक है, तो उनको एक अपने लिए क्राउन बनाना था। क्राउन पता है जो भी हम हिंदी में उसको राजा का जो मुकुट बोलते हैं वो बोलते हैं, ठीक है। तो क्राउन बनाना था उस यूनान के किंग को। तो क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारा सोना मतलब अब किंग के पास तो बहुत सारा सोना होता है, तो जो भी क्राउन बनाने के लिए जरूरी सोना था तो उन्होंने वो गोल्ड सोना एक सोनार को दे दिया तो क्राउन बनाने के लिए। और राजा को कुछ लोगों से पता चला कि वो जो सोनार है बहुत ज्यादा लोभी है, ठीक है, क्या करता है, चीटिंग करता है, थोड़ा सोना निकाल लेता है और उसके अंदर सिल्वर नहीं तो पीतल मिक्स कर देता है और मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको, मिक्सचर कर देता है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं देता, वो मिक्सचर करके डुप्लीकेट दे देता है वैसे कुछ, ठीक है। तो राजा को लगा यार मेरे क्राउन में मेरे मुकुट में ऐसा कुछ ना हो, इसलिए राजा ने तब तक तो कुछ नहीं बोला जब सोनार ने उनका क्राउन बना के राजा के पास आया सोनार और बोला राजा जी आपका क्राउन तैयार है। तो राजा बोला अच्छा ठीक है। तो अभी राजा को डाउट आ रहा था यार इसने मेरे क्राउन में तो कुछ मिलावट नहीं की होगी। तो राजा को अभी पता ही करना था कि इसमें मिलावट है या नहीं। तो क्या हुआ, ऐसे ही राजा ने सबको पूछा, जो भी मतलब उसके दरबार में जो लोग होते हैं उनसे पूछा कि मेरे क्राउन में मिलावट है या नहीं, कौन मुझे बता सकता है। तो किसी को मतलब किसी के पास इसका आंसर नहीं था। तो दो तीन लोग बोले कि राजा जी इसका आंसर आपको सिर्फ आर्किमिडीज ही दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो बताया उस टाइम के ग्रेट मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट थे, मतलब होशियार हो गए उस टाइम के। तो राजा बोला अच्छा ठीक है, उनको बुला के लाओ। तो आर्किमिडीज को बुला के लाया, आर्किमिडीज को बोला आर्किमिडीज जी मुझे ये क्राउन डुप्लीकेट है मतलब इसमें मिक्सचर है या ओरिजिनल है मुझे बताओ। तो आर्किमिडीज बोला ठीक है किंग राजा जी मैं बताता हूँ। तो उन्होंने आर्किमिडीज को थोड़ा समय दिया, आर्किमिडीज बहुत सोचे उसके बारे में, बहुत सोचे, लेकिन उनको मतलब पता ही नहीं चल रहा था यार कैसे पता करूँ कि इसमें मतलब ये मिलावट है या ओरिजिनल है, मिक्सचर है या ओरिजिनल है। तो आर्किमिडीज ऐसे ही बहुत सोचने के बाद ऐसे एक बार क्या हुआ, वो नहाने के लिए चले गए, ठीक है, और उनके बाथटब पता है मूवीज में देखा होगा, हमारे यहाँ कहाँ का बाथटब, हमारे यहाँ बादली होती है और एक मग होता है उनसे हम नहाते हैं। तो चलो आर्किमिडीज अमीर हो गए उस टाइम के, तो उनके पास बाथटब था, ठीक है, तो बाथटब फुलफिल था, फुलफिल
मतलब पूरा भरा हुआ था। जब आर्किमिडीज ने उसके अंदर इंटर किया नहाने के लिए तो उसमें से थोड़ा पानी नीचे गिर गया, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया था ना कि पानी कैसे नीचे गिरता है, पानी कैसे डिस्प्लेस होता है, नीचे गिरता है इस ऑब्जेक्ट की वजह से। वैसे ही हम समझेंगे कि आर्किमिडीज एक ऑब्जेक्ट है और ये बाथटब है। आर्किमिडीज जब इसके अंदर गए, पानी थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, नीचे गिर गया, ठीक है। तो अभी आर्किमिडीज के दिमाग में क्या आया पता नहीं, वो वैसे ही मतलब अभी नहा रहे थे तो थोड़े नंगी अवस्था में हो गए, ठीक है, नग्ना अवस्था में हो गए, तो वैसे ही उठ गए और यूरेका 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 बोल के चिल्ला रहे थे और रोड से भाग रहे थे। तो लोग बोल रहे थे अरे नंगा क्यों भाग रहा है। तो यूरेका का मतलब क्या होता है बच्चों, यूरेका का मतलब मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। तो आर्किमिडीज बता रहे थे कि हाँ मुझे इसका आंसर मिल गया, कि कैसे पता करूं कि क्राउन ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो वो राजा के पास वैसे ही, राजा के दरबार में वैसे ही नग्ना अवस्था में चले गए और राजा को बोल रहे थे हाँ राजा जी मुझे मिल गया। तो राजा बोले ठीक है प्रूफ करो अभी मेरा क्राउन ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो क्या किया आर्किमिडीज ने, बोला आपने क्राउन बनाने के लिए जितना सोना दिया था मुझे पहले तो उतना सोना चाहिए। राजा बोला ठीक है ले लो। तो हम समझेंगे कि क्राउन बनाने के लिए क्या किया होगा, हम समझेंगे 4 किलो सोना यूज किया है, क्राउन बनाने के लिए 4 किलो सोना यूज किया है, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने 2 पॉट्स लिए या 2 बकेट लिए, मग लिए, जो भी लिए, ठीक है। तो 2 पॉट्स लिए और एक के अंदर 4 किलो ओरिजिनल सोना डाला, ठीक है, एक के अंदर 4 किलो ओरिजिनल सोना डाला, 4 किलोग्राम, ठीक है, और एक के अंदर उनका जो क्राउन था वो डाला। तो अभी आप लोग बताओ किसमें से ज्यादा पानी बाहर आएगा। अगर उस सोनार ने क्राउन के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलावट की है तो क्राउन क्या होगा, थोड़ा हेवी हो गया होगा मिलावट की वजह से और उसमें से पानी ज्यादा बाहर आ गया होगा, और 4 किलोग्राम सोना जो कि ओरिजिनल था उसकी वजह से पानी थोड़ा कम बाहर आ गया होगा। तो इससे आर्किमिडीज ने बता दिया देखो राजा जी ये ओरिजिनल है और डुप्लीकेट, इसकी वजह से पानी ज्यादा बाहर आ गया है। तो यहां से आर्किमिडीज प्रिंसिपल की शुरुआत हुई बच्चों, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आप आगे देखते हैं डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। आपने लिख के नहीं लिया तो एक बार पॉज करके जल्दी लिख लेना, रफ करना है, मिटा दू मिटा दू, चलो ठीक है मिटा दे रहा हूं। चलो अभी देखते हैं डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। अभी डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है, देखो एक चीज दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल बाइंड फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, अभी डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी थोड़ा थोड़ा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो चलो पॉइंट डालते हैं डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। चलो अभी डेंसिटी क्या है और रिलेटिव डेंसिटी क्या है, आपके किताब में सिर्फ डेंसिटी का एक फॉर्मूला दिया है और रिलेटिव डेंसिटी का भी एक फॉर्मूला, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताया है, लेकिन मैं डेंसिटी आपको बहुत अच्छे से फील करूंगा, डेंसिटी से आपको प्यार हो जाए, ठीक है। देखो डेंसिटी का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं जैसे कि आपकी किताब में दिया है। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वैल्यू, ठीक है, मास पर यूनिट वैल्यू। तो अभी समझाता हूं डेंसिटी, टेंशन मत लो। देखो बच्चों अभी समझेंगे कि दो पॉट, फिर से दो पॉट्स लेते हैं, एक पॉट है ऐसा और एक पॉट है कुछ ऐसा, ठीक है, दो पॉट लिया हमने, समझो कि सेम है वैल्यूम के, पॉट का वैल्यूम सेम ही है दोनों का। अगर मैंने फिगर में थोड़ा पतला मोटा बना दिया हो तो आप समझ लेना दोनों ही एक जैसे, ठीक है। तो अभी यहां तक मैंने क्या किया, पॉट्स में मैंने यहां पे सिर्फ वाटर डाला, क्या डाला, सिर्फ वाटर। देखो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे छोटे छोटे लाइन्स है ना डॉटर, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसमें सिर्फ वाटर है और इसमें मैं वाटर प्लस साल्ट डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं, वाटर प्लस साल्ट, ठीक है। देख ये वाटर थोड़ा थोड़ा और ये जो गोले जैसा गोल गोल है ये साल्ट समझेंगे। अभी सर आप लोग बोलोगे सर पानी में साल्ट थोड़े ना दिखाई देता है, डिजॉल्व होता है, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। तो देखो ये सिर्फ प्योर वाटर है और ये वाटर प्लस साल्ट है, मतलब खारा पानी, ठीक है। तो अभी ये जो प्योर वाटर है बच्चों, इतने ग्लास में प्योर वाटर के आपको थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे और जब इसके अंदर साल्ट जा रहा है तो क्या हुआ, इसका मास बढ़ गया, समझ में आ रहा है, वैल्यूम दोनों का एक ही है लेकिन बढ़ क्या गया, मास। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वैल्यूम, कि
एक यूनिट वैल्यूम में, मतलब एक अप्रोक्स वैल्यूम में, एक वैल्यूम में मास कितना है उसको ही क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो इन दोनों में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और इसकी डेंसिटी कम होगी और इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, समझे। तो ये होता है डेंसिटी। अब सर रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी समझे ना बच्चों, अगर नहीं समझे तो कमेंट कर देना क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हर एक चीज, हर एक फॉर्मूला आपको इतने फील के साथ क्यों बता रहा हूं, इसका एक ही मतलब है, एक ही इसका आंसर है कि आपको जो आपके किताब में न्यूमेरिकल्स है वो आपसे सॉल्व हो पाए। क्योंकि मैं बहुत मतलब मैं भी पढ़ रहा था, मैंने भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी की है, तो मैं देखता हूं कि जो भी बड़े बड़े टीचर्स है, बहुत नाम के टीचर्स, ठीक है, वो बहुत पॉपुलर होते हैं उस सिटी में, जो भी सिटी है बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं साइंस के टीचर, वो भी क्या करते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कि सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा और जो भी आपके क्वेश्चन आपके चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज होती है उसके बारे में बोलो ये कि ये चलो ये याद करके आओ, उसके ऊपर एग्जाम होता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। मतलब उन टीचर की भी कोई गलती नहीं होती यार, एग्जाम में ही कुछ मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स आते ही नहीं, एक आधा न्यूमेरिकल्स आता है तो उनकी भी कोई गलती नहीं। अभी वो टीचर्स क्या पढ़ाएंगे, जो एग्जाम में आएगा वही तो पढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको चीज बताता हूँ कि आप लोग अगर न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको नीट जेडब्ल्यूई एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जैसे कि आप 10th के बाद देते हो ना नीट जेडब्ल्यूई एनडीए अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ओलंपियाड वगैरह वगैरह, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं अभी, हाँ अभी तो बताया मैंने न्यूमेरिकल्स के बारे में, तो अभी ये होने के बाद मैं क्या करूंगा, हर जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर होगा अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है बच्चों, फोर्स एंड प्रेशर। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो चैप्टर होगा वो होने के बाद मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक लास्ट में स्पेशल वीडियो रखूंगा। आप वो लोग मतलब आप लोग वो वीडियो स्किप मत करना, जिसको भी 11, 12 में बहुत अच्छे से फील के साथ नीट जेडब्ल्यूई में अच्छा कंसेप्ट क्लियर चाहिए तो वो वीडियो प्लीज स्किप मत करना। और ये जो वीडियो है इनके अंदर के जो छोटे छोटे पॉइंट है इनको भी अच्छे से ध्यान में रखना, अच्छे से इनके बारे में पढ़ना, रटने वाली चीज नहीं है, देखो रटने वाली चीज नहीं है, आपको हर एक चीज समझ के लेनी है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है क्योंकि रट्टा मारोगे तो न्यूमेरिकल्स में रट्टा मारने वाली चीज याद नहीं आएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में तो एक चीज याद नहीं रखनी पड़ती, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। और जो भी स्टूडेंट होता है उसकी सच्ची इंटेलिजेंस, उसका सच्चा इंटेलिजेंस मतलब वो कितना होशियार है वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स में ही पता किया जाता है। इसलिए नीट जेडब्ल्यूई बड़ी बड़ी एग्जाम में जो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है उसके ज्यादा तो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं आप इसे याद रखना। तो ये जो डेंसिटी है इसका समझ में आ गया, अभी देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, चलो रिलेटिव डेंसिटी ठीक है, नीचे लिखता हूं रिलेटिव डेंसिटी का। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं पहले यार, देखो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या जो भी फ्लूइड है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अभी आपको इसके जो भी इसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी, इसके अंदर ही इसका जवाब मिलेगा, मतलब इसके अंदर ही इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जैसे कि देखो रिलेटिव मतलब क्या बच्चों, सर रिलेटिव मतलब ऐसी चीज जिनसे हम बहुत ज्यादा नफरत करते हैं नहीं यहाँ पे रिलेटिव और रिलेटिव अलग है, उनके बारे में छोड़ दो, हमें उनके बारे में सोचना भी नहीं है। रिलेटिव मतलब संबंध, ठीक है। अभी यहाँ पे डेंसिटी है, इसका किसी के साथ तो संबंध है, तो देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इसका संबंध है वाटर के डेंसिटी के साथ, समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का संबंध किसके साथ है, वाटर के डेंसिटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी था, कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है, दोनों फॉर्मूला सिर्फ याद रखना, कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ पे डेंसिटी होती है खत्म। और ये वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इस वीडियो के बाद आएगा अपना न्यूमेरिकल्स का वीडियो, उसके अंदर जो भी आपके सॉल्व न्यूमेरिकल्स है अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है मेरे मन से मैं और डालूंगा एक दो ज्यादा, जिससे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद होगी। तो चलो बच्चो आपको आज का क्लास बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ, और ये क्लास यही पे खत्म करता हूँ। काजी के बाद थैंक यू।